रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। I want to marry you. राहुल, help me! अब इसका बदला तो मुझे किसी से तो लेना है। तुम बताओ, तुम्हारी बहन से लूं कि पहले तुमसे लूं? ईशा आपसे प्यार नहीं करती। Please marry me. ये 1 करोड़ का चेक और विक्रम के आने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी खुशी से इतना भी मत अपसेट हो कि तुम्हारी भूख मर जाए। How can you see this, Vikram? तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा सेलिब्रेट किया है मैंने। It's just that I'm worried कि कल को ये लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। सही और गलत की पहचान है मुझे। But my decision to marry Isha, that's final. और बेहतर होगा कि तुम भी उसे एक्सेप्ट कर लो। You do know that Isha doesn't love you. That's enough. Don't be so shut, Vikram. Your emotional investment is a complete waste. I'm your sister, for God's sake. मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? Exactly. That's exactly what I don't understand. Wait a minute. Yeah. Look at this. 1 करोड़ का अमाउंट, यही कीमत लगाई है उसने तुम्हारे प्यार और भरोसे की। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? विक्रम, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, God damn it. मैं नहीं चाहती राह चलते कोई भी उठ के तुम्हारी इमोशंस का फायदा उठाए. And God knows, मैं उसकी नीयत को टेस्ट कर रही थी. And I was hoping कि वो मना कर दे, लेकिन उसने मना नहीं किया. She took it. विक्रम, विक्रम, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? I'm sorry, मगर उससे शादी नहीं करना चाहती तुम? Yeah, I know. मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे कोई सवाल करने का हक नहीं है. मैं ये भी जानता हूँ कि after all, it's your choice, right? Just look at you, look at me. I don't even know how could I think that it could be possible. Vikram, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है. ये मेरी प्रॉब्लम है. मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जहाँ जहाँ एक बहन अपने भाई के प्यार को बेच दे. ये चेक आपकी बहन ने मुझे दिया. It's too embarrassing. आप प्लीज उन्हें ये चेक लौटा दीजिए. पम्मी, उसकी उसकी तुम फिक्र मत करो. वो तो कम बुद्धि. मैंने कहा था तुमसे, तुम गलत हो. ईशा, पम्मी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ. प्लीज आप हम दोनों के बीच में ये सॉरी मत लाइए. पम्मी, पम्मी आंटी को शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी. मैं इनके साथ खुद उनका डाउट क्लियर कर लूंगी. पम्मी आंटी, यू थॉट कि मैं आपके 1 करोड़ के चक्कर में मल्टी मिलियनर को छोड़ दूंगी. बट थैंक यू सो मच. आपकी वजह से अब विक्रम मुझे बहुत सारा प्यार के साथ बहुत सारा रिस्पेक्ट भी देंगे. एंड बाय द वे, यू लूज चेंज, आई मीन यू लूज चेक, इट्स राइट देयर, यू कैन हैव इट. हैव अ नाइस डे. Please come out.
तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में? पहले तो इसे छोड़ो। क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ईशा की तरह क्यों लग रही हो? और तुम एक घटिया लूजर की तरह दिख रहे हो। ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? सिंपैथी गेन करना चाहते हो? छोड़ो इसे और फिर उठकर ऑफिस जाओ। उठो राहुल। तुम यहां क्यों आई हो? इसका आंसर दो। प्रॉब्लम मेरी है। धोखा मैंने खाया, धोखा तुम्हारी बहन ने मुझको दिया है। तो क्या जिंदगी भर बैठकर घर पे रोते रहोगे? लुक अराउंड, ये घर, ये जिंदगी तुम्हें तुम्हारी मेहनत से मिली है। अगर तुम्हें किसी और को रिस्पेक्ट नहीं देना तो मत दो, लेकिन खुद को, खुद के लिए उठो और काम पर जाओ राहुल। कुछ नहीं है मेरा यहां, जो कुछ भी ना सब बिकम का बदौलत है। एक चीज, सिर्फ एक चीज थी मेरी, वो भी उसको लेके दिमाग खराब हो गया मेरा। बट तुम्हें क्या पता कि जब तुम किसी से प्यार करते हो, कोई तुम्हारे सामने से उसे क्यों लेकर चला जाता है, कैसा दर्द होता है? ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी ने दिल पर वार कर दिया, अंदर सब कुछ मर जाता, बस सांसें चलती रहती, जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता, पर फिर भी जीना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि क्योंकि कोई ऑप्शन भी तो नहीं रहता। कौन है बताओ? कभी ना किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? मुझे अभी बताओ। किल्डर बच्ची, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा और तुम अब भी उसका साइड दे रही हो? दोस्त माना ना, छुटे में कौन है? बताऊंगी, एक दिन जरूर बताऊंगी। अरे वो फोन नहीं उठा रहा है तो उसके घर जाओ, डू वॉट एवर, बट आई नीड राहुल राइट नाउ। यस, क्या हो विक्रम मालवीय? ओह राहुल, फॉर गॉड्स सेक, कहां पर हो भाई तुम? और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यू हैव जस्ट गॉन मिसिंग ऑन अ डे व्हेन आई नीड यू द मोस्ट। मैं इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट। ओके फाइन, लीव दैट असाइड, वो गौरव देख लेगा। विक्रम, गौरव वो मैनेजर, मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? ओके बताइए, हाउ कैन हेल्प यू? मेरा हनीमून प्लान कर दे यार। ईशा, गॉड शी इज बीइंग सो ऑब्स्टिनेट, वो चाहती है कि मैं उसे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दूं हमारे हनीमून पे। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हनीमून के लिए मुझे कहां लेके जाओगे? तुम जा करोगे, हम वहां जाएंगे। बोलो कहां जाना? मैं डिसाइड नहीं करूंगा, तुम डिसाइड करोगे। Surprise. Hello? क्या हुआ? तू भी नहीं सोच पा रहा ना? हाँ? अब मेरी सोच, क्या हालत होगी? अरे यार, तुम दोनों तो दोस्त हो, एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, तुम लोगों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे साथ? God, she'll be so disappointed. यार देख, अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो ईशा के साथ गुजारना चाहता हूँ। Ah, look, here she is. हाय राहुल। विक्रम, मैंने हमारे बेडरूम के लिए कुछ कलर्स चूज किए थे। आई वांट योर ओपिनियन। ओह गॉड, ईशा कम ऑन। देखो कोई बजट की बात हो वो सब मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम राहुल से बात कर सकती हो, ये जानता है मुझे क्या पसंद है। ओह गॉड, ओह दिस कॉल फ्रॉम टोक्यो। हेलो विक्रम बेदी हियर। What's wrong with you? क्या हुआ? मेरी choices नहीं सुनी तुम्हें? या फिर अब एक बंद कमरे में मेरे साथ रहना बर्दाश्त भी नहीं है? और मेरा हाथ छोड़ो। You're hurting me. Wow, right? Bloody bastard! सुनो, तुमसे बेटर ना prostitutes होती हैं। कम से कम झूठ तो नहीं बोलती। राहुल, वो टोक्यो वाले डॉसियर
Is everything okay? विक्रम, इस राहुल से नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपके पास टाइम हो, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। या विक्रम, एक्चुअली हमसे नहीं हो पाएगा। ओह गॉड, डोंट टेल मी, तुम लोगों में फिर से झगड़ा हो गया, हाँ? Usually I would have said kiss and make up, but obviously I can't say that now, क्योंकि अब तो ईशा मेरी हो चुकी है और इसको लेकर मैं बहुत पोसेसिव हूँ यार, लेकिन मैं तो वो कर सकता हूँ ना जो राहुल नहीं कर सकता। यक, I am not wearing this. साक्षी, हर चीज में कंप्लेन मत करना। ये ड्रेस तेरे लिए ईशा ने बहुत प्यार से चूज किया, तुझे पहनना पड़ेगा। उसने अपने लिए क्या चूज किया देखा है ना? ईशा को अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करनी है वो उसकी चॉइस है। दी ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड, सुना है ना? गर्ल्स चेक दिस आउट, मैंने हम सब के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। ये देखो, हाउ इज इट लुकिंग? विक्रम अंकल से पूछना। मेरी वेडिंग में सब मैं डिसाइड करूंगी। मेरी वेडिंग कलरफुल और बहुत ब्राइट होगी। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज सबके साथ फोटो आएंगी हमारी। हम कितनी खुश होंगी ना। मार डालेंगी वो तुझे। बताया है तूने उन्हें विक्रम अंकल के बारे में? देव ने बात की होगी ना? मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा माँ जब यहाँ आएंगी तब आमने सामने बैठकर ही बता देंगे। दी, जितनी सेंसिबिलिटी औरों में होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। साक्षी, मैं कब से तेरी बकवास सुनने जा रही हूँ? दिन में एक बार भी पॉजिटिव होने की एक्टिंग तो कर लिया कर। उसी की प्रिपेरेशन कर रही हूँ। जस्ट शट अप साक्षी, प्लीज। बोथ ऑफ यू, यू बिहेव योर एज एंड यू काम डाउन। ईशा, फाइन, कुछ नहीं बोलूंगी। इतने दिनों में ईशा से प्रिटेंड करना तो सीख ही लिया है। विक्रम, there's something very different about you today. Your hair, I don't like it. Just keep it simple and classy. Hi Rahul. Hi. Where were you? मैं, I was up. यहाँ आज भी ये कमरा मेरा ही है, right? तुम्हें तो याद होगा जब हम पहली बार मिले थे पार्टी में। पार्टी में विक्रम के चार्म से इतनी ज्यादा इंप्रेस थी कि किसी और पे ध्यान ही नहीं गया मेरा। And I really hope it stays that way. Forever. राहुल, तुम मेरे लिए एक छोटा सा ड्रिंक बना सकते हो, not too strong. Sure, sure. Boss? Of course. राहुल, एक बात पूछूं? Mm-hmm. Are you okay? जब अकेले होता हूं तो नहीं, बट जब तुम इधर साथ में होती हो तो आई फील बेटर। फिर तो मुझे तुम्हारे आसपास ही रहना पड़ेगा। नहीं सहरिया, कितना पहले तुम्हें तुम्हें एक बात बोल, सब तो की शादी नहीं हो जाती, कैन जस्ट बी अराउंड मी? या थैंक यू, मींस अ लॉट। Cheers. Thanks. मुझे ढूंढ रही हो? यहां पर बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी खुश लग रही है ना ईशा? खुश है। आई एम श्योर तुम्हारी मम्मी भी बहुत खुश होगी। उन्हें पता तो है ना ईशा और विक्रम के बारे में? जी, ऑफ कोर्स पता है। वाह, गुड देन। क्योंकि फॉर अ मिनट आई थॉट कि आते ही कहीं उन्हें शॉक ना लग जाए।
अभी? Oh God, it was a surprise. Oh no, मैं भी ना. अच्छा listen, ईशा और साक्षी को मत बताना. The flight has landed और वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी. Hey. Oh hi. तुम यहाँ पर? I was just appreciating the house. It's gorgeous. Oh well, thank you so much. Just excuse me. Yeah, sure. Carry on. आप हम आपके पास हैं, बिल्कुल आपके सामने. चलो, हमारी बेटियों ने कम से कम आपको बड़ों की इज्जत करना तो सिखा दिया. सरप्राइज पेरिपा. नॉट यू विक्रम, आप और हम तो सेम ही उम्र के हैं. थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे. थोड़ा ही होंगी ना. चलो चलो चलिए चलिए. एक मिनट एक मिनट. नहीं, हमारी सारी थकान हमारी बेटियों को देखकर ही दूर हो जाती है. So, what will you have, mummy ji? Is he drunk? या मैं मम्मी जी क्यों कह रहे? Mom, मेरा सर दर्द हो रहा है. Please घर चलते. ईशा, पहले बैठिए. पहले हम अपनी बेटी और would be son-in-law को तो अच्छी तरह से देख लें. Mom, छोड़ो ना. Please जाने दो. Come on, Isha. Of course, she's right. I can understand what she's saying. देख रहे तो मम्मी जी को. लेकिन आप ये बार बार हमें मम्मी जी को कह रहे हैं? Is this some kind of a joke? आपकी बेटियों ने हमें रिस्पेक्ट करना सिखा दिया तो रिश्ते जुड़ गए. अब ईशा मुझे दीदी बुलाती है और आपके होने वाले सन इन लॉ तो आपको मम्मी जी ही कहेंगे ना. I got it. आप सब हमारी टांग खींच रहे हैं, right? Sorry? नहीं विक्रम, आपके लिए शायद ये सरप्राइज होगा, लेकिन हमारी दिवीना हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती. I already know कि ईशा शादी कर रही है राहुल के साथ.